मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 332 आबकारी आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी जी। किस तरीके से देखते हैं इन भर्तियों को और कितनी पारदर्शिता रही सर? आपके पद होते हैं जिसपे हर जिले में हमारे 75 जिलों में लोगों को काम करने के लिए 400 जो हमारे तहसील है वहाँ पर हमारे सभी स्टाफ का उपलब्ध होना ज़रूरी है। काफ़ी रिक्तियाँ थी, 2016 से रुका हुआ था, जिसको आयोग के माध्यम से इनकी भर्ती की गई है। 332 में 109 महिला, लगभग 33% महिलाएँ हैं और यह अच्छी बात है। और इसमें ये पद भर जाने के बाद आज से इनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा और उसके बाद इनकी फील्ड में पोस्टिंग हो जाएगी, तो इनको विभाग में जो कमी थी अधिकारी कर्मचारियों की वो कमी पूर्ण हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था इस पद कह सकते हैं इस विभाग का राजस्व बहुत कम था, अब आप लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है, क्या लगता है कितने का लक्ष्य और पूरा हो पाएगा सर? जितना भी लक्ष्य शासन ने दिया उससे ज़्यादा विभाग ने प्रयास करके पूरा किया है। जिलों से सर कह सकते हैं कि आबकारी जो आपके आरक्षी यहाँ पर पहुँचे हैं आगे क्या किस तरीके से सर ट्रेनिंग रहेगी? इन लोगों को विभाग के द्वारा इनको फिजिकल फिटनेस पे और विभाग के नियम कानून पे इनको मंडल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर PTC सीतापुर मुरादाबाद के साथ भी के सहयोग से इन लोगों को और बाकी जो फौजदारी मुकदमे और बाकी जो जानकारी होना चाहिए विभाग जानकारियाँ उस पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए इसमें पारदर्शिता का खास ख्याल रखा गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्य